हीरा मंडी में अपने ग्रे शेड किरदार के लिए तारीफें बटोरने के बाद अब सोनाक्षी सिन्हा अपनी शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। जहां एक तरफ शादी की खबरों पर सोनाक्षी सिन्हा का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, वहीं पूनम ढिल्लो, हनी सिंह और डेजी शाह बातों ही बातों में एक्ट्रेस की वेडिंग पर बात कर चुके हैं। वहीं हीरा मंडी के एक्टर ताहा शाह का भी अब सोनाक्षी सिन्हा की शादी की खबरों पर रिएक्शन सामने आया है। ताहा शाह बदूशा का कहना है कि वह सिर्फ उन्हें सोनाक्षी को खूब सारा आशीर्वाद और बधाई देना चाहते हैं। ताहा शाह ने हाल ही में एक इवेंट में हिस्सा लिया था, जहां एक्टर ने हीरा मंडी को स्टार सोनाक्षी सिन्हा की शादी के बारे में सवाल पूछा गया। सोशल न्यूज के मुताबिक ताहा शाह ने कहा, मैं सोनाक्षी सिन्हा से प्यार करता हूँ, मैं उन्हें सिर्फ बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, मैं उन्हें एक बड़ा गिफ्ट भी देना चाहता हूँ। ताहा शाह ने एक बातचीत में कहा, मुझे सोनाक्षी सिन्हा काफी पसंद है, मैं उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मैं उनका एक काफी बड़ा तोहफा भी देना चाहता हूँ। अभिनेत्री पूनम ढिल्लो ने भी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर चल रही शादी की चर्चा पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्हें जहीर और सोनाक्षी की शुभकामनाएं देते हुए बताया था। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें प्यारा सा इनविटेशन कार्ड भेजा गया है। वहीं इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल 23 जून को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। हालांकि शादी की खबरों पर सोनाक्षी और जहीर का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया। इन्हीं खबरों के बीच सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने अपने अपने इंस्टाग्राम पर दोस्तों के साथ पार्टी की तस्वीरें शेयर की। शादी की खबरों के बीच सोनाक्षी और जहीर की दोस्तों के साथ पार्टी की फोटो जमकर इंटरनेट पर वायरल हो रही है। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी लाइमलाइट में बनी हुई है। शादी से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए अभिनेत्री के फैंस उतावले हो रहे हैं। फैंस जल्द से जल्द सोनाक्षी को दुल्हन के जोड़े में देखना चाहते हैं। दोनों की पहली मुलाकात सलमान खान की पार्टी में हुई थी। इसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे।